तो वहीं धौलपुर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई। मुख्यमंत्री के काफिले के बीच पहुंचा बाइक सवार, काफिले के बीच युवक को देखकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, मंच की तरफ पहुंचा जब मुख्यमंत्री का काफिला, उस दौरान ये वाक्या सामने आया। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि हमारे साथ बने हैं। देखिए रवि, बड़ी चूक यहाँ पे सामने आई, विस्तार से जानकारी सर आपसे लेना चाहेंगे। रवि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए जानकारी आपको देते, बड़ी चूक यहाँ पे सामने आई और पुलिस के हाथ पैर यहाँ पे फूल गए, क्योंकि मंच की तरफ जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा उस दौरान ये वाक्य हुआ। बड़ी खबर धौलपुर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक यहाँ पर सामने आई। जानकारी देते, मुख्यमंत्री के काफिले के बीच पहुंचा बाइक सवार, काफिले के बीच युवक को देखकर पुलिस के हाथ पैर फूले। मंच की तरफ पहुंचा जब मुख्यमंत्री का काफिला, तब ये घटनाक्रम वहां पर हुआ। सहयोगी रवि एक बार फिर से हमारे साथ बने हैं। रवि देखिए, विस्तार से एक बार आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, चूंकि सूबे के मुखिया है भजनलाल शर्मा और उनके सुरक्षा में इस तरह से चूक, क्या कहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री का काफिला मंच की ओर आया तो अचानक एक युवक जो है बाइक पर बैठकर सीधा जा रहा था, तभी जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा तो जब पुलिस वाले उसको रोकना चाहे तो रोक नहीं पाया। हालांकि रेंज के जो आईजी राहुल प्रकाश वो मौके पर पहुंचे और जो युवक है उसको पहले कब्जे में लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला है वो मंच के लिए रवाना हुआ। चूक थी मुख्यमंत्री के काफिले में, लेकिन रेंज जो आईजी है राहुल प्रकाश उनकी सूझबूझ के कारण ये जो युवक था, हालांकि बता रहे थे वो कहीं बाहर दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा था, लेकिन सुरक्षा में ये चूक का मामला सामने आया जी। चलिए रवि बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक का मामला, सहयोगी रवि ने भी विस्तार से जानकारी साझा करी कि किस तरह से युवक को यहां पर रोकने की कोशिश तो की गई पुलिस के द्वारा, लेकिन देखिए युवक रुका नहीं। उसके बाद देखिए जो जिम्मेदारी है वो पुलिस के हाथ में ही थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं उस युवक की भी गलती यहाँ पर सामने आई।